केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं कि किसान खेतों में मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त जो काम चला हुआ है वो फ्रास्बिन की गुड़ाई का काम खेतों में चला हुआ है। सोलन की ये तस्वीर है चंबा घाट की, क्योंकि पिछले एक दो दिनों से जिस तरह से मौसम सोलन में साफ रहा है और धूप खिली है, तो उससे किसानों ने जो बारिश के नुकसान के बाद जो फसलें बची हुई हैं, खेतों में खड़ी फसलें हैं, अब उनकी निदाई का काम शुरू कर दिया, क्योंकि लगातार बारिशों का दौर जारी था। गुड़ाई का कार्य इस वक्त आप खेतों में देख सकते हैं कि किसानों द्वारा किया जा रहा है। और मौसम की बात करें तो मौसम विभाग की माने तो आज से प्रदेश में मौसम साफ है। पिछले कुछ दिनों से जो बारिश लगातार प्रदेश में हो रही थी उससे निजात मिलने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। हालांकि कल भी प्रदेश में मौसम साफ रहा और जिसके कारण लोगों ने राहत की सांस भी ली है, क्योंकि लगातार प्रदेश में बारिशों का दौर जारी था, भारी नुकसान प्रदेश में हो रहा था। यदि हम सोलन जिला की ही बात करें तो 31 मई को जो प्रदेश में जमकर बारिश हुई वो सोलन में भी हुई है, और सोलन में करीब 3.5 करोड़ रुपये का जो नुकसान आंका गया है प्रशासन द्वारा। और यह नुकसान भी वह है जो कुछ डिपार्टमेंटों ने अपनी जिला प्रशासन को जो रिपोर्ट भेजी है, कई एक दो विभागों ने अपनी रिपोर्ट भेजी है, कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने अभी नुकसान की रिपोर्ट नहीं बनाई है और ना ही अभी प्रशासन को भेजी है। उस तरह से यह नुकसान कई गुना अधिक और हो सकता है, 5 से 6 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। और यदि हम पूरे मार्च से मई महीने की तक की बात करें, जो प्रदेश में एक बारिशों का दौर जारी रहा, तो सोलन में करीब 6.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसी तरह यदि सोलन में 6 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है तो प्रदेश में 100 से 150 करोड़ रुपये का नुकसान बारिश से हुआ होगा, इससे भी ज़्यादा यह नुकसान हो सकता है। ऐसा नुकसान बरसातों में देखने को मिलता था, लेकिन इस बार गर्मी के मौसम में जो प्रदेश में भारी बारिशें हुई हैं उसके कारण यह तबाही मची हुई है। और अब मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में मौसम साफ रहने की उम्मीद है, कुछ दिनों तक राहत मिल सकती है। और कल जिस तरह से प्रदेश का मौसम बना रहा था उससे थोड़ी तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन अभी भी प्रदेश का जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मैदानी क्षेत्रों में तापमान गिरकर 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां पर 30 डिग्री के आसपास तापमान रहता था वहां पर 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान बना हुआ है। सुबह और शाम के समय में प्रदेश के पहाड़ों में थोड़ी ठंड देखने को मिली है, तापमान में काफ़ी गिरावट है, लेकिन आज मौसम साफ रहने की उम्मीद है जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मई के महीने में जो प्रदेश में बारिशें हुई है उसने पिछले 30 वर्षों का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। सोलन में 155 मिलीलीटर बारिश इस बार मई के महीने में रिकॉर्ड की गई है। कांगड़ा में ये 189 मिलीलीटर बारिश हुई है, और शिमला प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश 225 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो इस तरह से जो बारिशों का जो प्रदेश में एक दौर चलता रहा उसने पिछले 30 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और यदि हम तापमान की बात करें, जो जिस तरह से तापमान में गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को इस बार मई के महीने में मिली है, तो उससे पिछले 34 वर्षों का रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश में टूटा हुआ है। वर्ष 1987 में इस तरह का मौसम देखने को मिला था, जब प्रदेश के पहाड़ों में भारी बारिश के कारण काफ़ी जो तापमान था तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। वही स्थितियां इस बार मई के महीने में हिमाचल प्रदेश में बनी रही, लेकिन मौसम विभाग ने अब जो चेतावनी दी है, जो संभावना व्यक्त की है कि अब प्रदेश में कुछ दिनों तक मौसम साफ रहेगा, तो यह काफ़ी राहत भरी खबर किसानों के लिए हैं, बागवानों के लिए। और आप देख सकते हैं कि किसान सुबह सुबह खेतों में अपनी मेहनत कर रहा है और
खेतों में आप देख सकते हैं कि फ्रास्टबिन की फसल लगाई जा रही है, और जो किसान है, क्योंकि लगातार बारिशों के कारण प्रदेश में सबसे अधिक नुकसान किसानों और बागवानों को उठाना पड़ा है, क्योंकि बारिश और ओलावृष्टि के कारण खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। और बारिश का यह आलम था कि प्रदेश के जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं जहां अभी ठंड है, वहां पर गेहूं की कटाई भी नहीं हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से दूर देख रहे होंगे कि अभी गेहूं की फसल खड़ी हुई है, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके कारण अभी गेहूं की फसल सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों में अभी नहीं पकी हुई है। और यही स्थिति प्रदेश के उन क्षेत्रों में जो सोलन से भी ऊंचाई वाले क्षेत्र होंगे, तो वहाँ पर भी नहीं पकी हुई है, क्योंकि तापमान में काफ़ी जो अप्रैल और मई के महीने में प्रदेश में जमकर बारिशें हुई हैं, उसके वजह से तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, और उसके कारण जो फसलों के पकने का जो एक समय होता है कि मई के महीने में इन क्षेत्रों में गेहूं की फसल की कटाई हो जाती है, लेकिन जून का महीना शुरू हो गया और अभी तक गेहूं की फसल की कटाई नहीं हुई है, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ रही थी, फसलों के पकाई में टाइम लग रहा था। और यही वजह है कि किसान इस बात के लिए परेशान है, क्योंकि इस वक्त यदि गेहूं की कटाई हो जाती तो यहाँ पर किसानों ने टमाटर की फसल लगाने की तैयारी करनी थी, लेकिन प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, आप पंजाब केसरी टीवी में सीधी लाइव तस्वीरें खेतों की भी इस वक्त देख रहे हैं, किसान खेतों में मेहनत भी कर रहा है और मौसम का भी हाल बता रहे हैं कि जिस तरह से मौसम साफ दिख रहा है, तो उससे उम्मीद है कि जिस और मौसम विभाग ने भी संभावना व्यक्त की हुई है कि आज से प्रदेश में मौसम साफ रह सकता है। लगातार बारिशों के चलते किसानों को भारी नुकसान, ओलावृष्टि जो हुई उससे किसानों को भारी नुकसान हुआ, बागवानों को भारी नुकसान हुआ है, और यही वजह है कि हिम्मत जिला सोलन और सिरमौर जो टमाटर के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो बारिशों के चलते गर्मी के सीजन के टमाटर की 30-40% फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है, वो काफ़ी नुकसान हो गया है, झुलसा रोग समय से पहले ही टमाटर को लग गया है, तो इस तरह की स्थितियाँ बनी हुई है। और अब देखते हैं कि यदि मौसम साफ रहता है तो हो सकता है कि फसलें जल्दी पके, क्योंकि आजकल सब्जी मंडियों में सब्जियों के जो रेट हैं उसमें थोड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है, तो किसानों को कम से कम उसका लाभ मिला। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही, देखते रहे पंजाब केसरी टीवी, बहुत बहुत धन्यवाद।